मैं हूं आंचल आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंकेंगे। रामलीला मैदान में आयोजित बीजेपी की अभिनंदन रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और झारखंड के सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रामलीला मैदान में मंच पर पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष, भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इस वक्त आप मंच पे जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आज लोग मौजूद हैं। अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष, भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इस वक्त आप मंच पे जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आज दरअसल जो तीन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से, रघुवर दास झारखंड से और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, इनका अभिनंदन भी होगा। रोकने के लिए हम किसी और पार्टी को भी समर्थन दे सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों पार्टियां हर चीज के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर मिली हुई हैं। दोस्तों, ये वही नेता हैं जो कहते थे बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, किंतु उसके बाद खुद जाके बंगला गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी और अनाधिकृत कॉलोनियों की चिंता नहीं करी। मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये जो 1900 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, इनको नियमित तो किया ही हमने, इसके साथ साथ हम उनको सुविधाएं भी देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं दोस्तों आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, ये जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, ये झुग्गी झोंपड़ियां जिनमें 30 लाख लोग रहते हैं, उन 30 लाख लोगों को, झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि जहां जहां झुग्गियां हैं वहीं वहीं पर हम मकान बनाकर देंगे। और हम कहना चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो तालमेल से काम होगा। तो रामलीला मैदान से पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा सा पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राकेश, हमारे ब्यूरो चीफ, इस वक्त रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश से ही ताजा हाल लेते हैं। राकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी देर में और मोदी जी का वहां पर आना एक्सपेक्टेड है? अमित शाह पहुंच चुके हैं तो उम्मीद की जाए ज्यादा देर नहीं लगेगी अब? देखिए, जिस तरह से बीजेपी के जो हैं कह रहे हैं कि करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। आपको एक मंच का दृश्य दिखाना चाहते हैं। देख रहे हैं कि जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं, वो जो नेता हैं, उनसे, बीजेपी के नेता हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन वक्ता हैं जो अभी बोलेंगे। उसके बाद आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि जो मैदान है, रामलीला मैदान, आप देख सकती हैं कि यहां पर लोगों का आना अभी भी जारी है। और जिस तरह से अब से कुछ देर पहले संबित लगातार ये कह रहे थे कि लोग यहां पर आ रहे हैं और लाखों लोग आएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं, दिल्ली वासी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं और उसको लेकर बीजेपी की जो तैयारी है, ये तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। लगातार ये कोशिश की जा रहा था कि बीजेपी रामलीला मैदान में लाखों लोगों को लाए ताकि एक दिल्ली में एक संदेश दिया जाए। और जिस तरह से आपने लगातार ये सुन रही हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं, सातों सांसद, वो लगातार आप पार्टी पर हमला कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों ने आप पार्टी पर भरोसा जताया था, लोगों ने उन्हें, उनकी सरकार बनी थी, लेकिन जिस तरह से वहां से भागे, उससे स्थानीय लोग, दिल्ली वासी नाराज हैं और इस बलबूते हुए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताएं। राकेश, हम ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले कि मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, कि हम देख पा रहे हैं चित्रों में कि काफी खचाखच भरा हुआ है रामलीला मैदान। एक्सपेक्टेड भीड़, बीजेपी के सूत्र कह रहे थे कि 3000 बसें लगाई गई हैं, 1 लाख से 2 लाख लोग वहां पर आएंगे, जो कि कैपेसिटी से भी रामलीला मैदान की ज्यादा है। आप किस तरह से अभी सूरत हाल देख रहे हैं? पीछे तक स्टैंड पूरी तरह भर चुके हैं, सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं? देखिए, जहां तक ये आगे का स्टैंड है वो अभी भरा हुआ है, पीछे का स्टैंड अभी भी खाली है।
इतना मीडिया का जमावड़ा है, इसे हम आपको जो अंतिम दृश्य है वहां तक, अंतिम स्टैंड तक आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन लोगों का आना जारी है और जो बीजेपी का अनुमान है कि लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन यहां जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि करीब 40,000 लोगों का यहां पर बैठने का यहां पर व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में लाखों लोगों का जरूर दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जब प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे तो दिल्ली वासियों को क्या सौगात देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक है, अब बाकी पैनलिस्ट का रुख करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि वहां पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, मंत्री मौजूद हैं, सबके जहन में बस एक ही चीज होगी कि मोदी जी आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे और उसके बाद दिल्ली में हवा पूरी तरह से मोदीमय हो जाएगी। हम सारे पैनलिस्ट का रुख करना चाहेंगे। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं और संक्षेप में सारे एक एक करके बताएं कृपया करके कि आखिरकार दिल्ली में आज मोदी ऐसा क्या बोलेंगे जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने इसके पहले भी यह कहा था कि जहां तक भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ एक मुहिम का सवाल है, वो उन सब मुद्दों पर मुझे नहीं लगता बात होगी, क्योंकि केजरीवाल जी ऑलरेडी उसके एक प्रतीक माने जा रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी से पैदा हुए थे। जो बात बीजेपी को थोड़ा सा एडवांटेज में ले जाएगी वो यह है दिल्ली का विकास। 15 साल जो कांग्रेस 16 साल यहां पे रही शासन में, वो बेसिकली यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारी चीजें हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी, और ऑब्वियस है कि जहां भी जितनी रैलियों मोदी जी जाते हैं हमेशा विकास की बात को प्रमुखता देते हैं, वही बात यहां करेंगे। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या टारगेट हो सकता है, सोनिया मैडम, शीला जी, इन सबका जिक्र नहीं होगा, भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई को किसी व्यक्तिगत नाम लेकर के ये सब चीजें कह करके आज क्या होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। एक एक गलती जो लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान, चलिए हम उसका रुख करेंगे। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पिछली बार चुनावों में वही चेहरा थे 2013। श्री रघुवर दास जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी पीयूष जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे दिल्ली के प्रभारी श्री प्रभात झा जी, हमारे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, रामलाल जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के सहयोगी, प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, प्रिय दिल्ली की जनता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों, दोस्तों 2015 का वर्ष हम सबके लिए अनेक खुशियां लेकर आया है। आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये एक ऐसा समय आपके लिए आ गया है जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको अपनी हैट्रिक पूरा करने का दिल्ली वालों को मौका मिलने वाला है। 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती, सबसे ज्यादा वोट लिए, सबसे बड़ी सफलता आपको मिली। 2014 में जब चुनाव हुआ दिल्ली में, फिर पार्लियामेंट के अंदर आपने 7 सीटें जीती और अब 2015 के अंदर कुछ ही समय के बाद जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आपको दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए इस बार इस हैट्रिक को पूरा करने के अंदर हम कतई नहीं चूकने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले समय में दिल्ली के अंदर 15 साल एक सरकार रही, उस सरकार ने दिल्ली का हश्र क्या किया, और बाद में जब 2013 का चुनाव हुआ तो उस सरकार का, उस सरकार की पार्टी का, उस सरकार की मुखिया का क्या दिल्ली वालों ने हश्र किया वो हम सब जानते हैं। और आज 2015 के चुनाव के समय ये भी हम जानते हैं कि वही मुखिया जो है, उन्होंने पहले ही चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। एक और पार्टी आई थी जिसके मुखिया ने बड़े जोर शोर के साथ इसी रामलीला मैदान के अंदर मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी, और मुख्यमंत्री भी वो तब बने थे जब बच्चों की कसम खाने के बाद कि हम किसी पार्टी को ना समर्थन देंगे, ना किसी भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेंगे, उन्होंने इसी रामलीला मैदान के अंदर भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार किया था। लेकिन 49 दिन के अंदर क्या किया,
किस तरह से अपनी पार्टी को अराजकता की चरम सीमा तक पहुंचाया, ये हमारे सारे दिल्ली के लोग जानते हैं। एक समय था कि जब हम लोगों को उनके झूठ प्रकाशित करने पड़ते थे, आज तो दिल्ली की जनता हम लोगों को आ आकर उनके रोज झूठ बताती है, रोज उनके झूठे वादों की चर्चा करती है। दोस्तों, मैं सिर्फ आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी कैबिनेट में काम करते हुए 7 महीना हुआ है। मैंने देखा है कि उनका दिल्ली के विकास के प्रति, दिल्ली के लोगों के प्रति, दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति कितना गहरा कमिटमेंट है, और अपनी सरकार के सारे मंत्रियों को उन्होंने कितनी गहराई से इस बात के लिए प्रेरित किया है कि दिल्ली के लिए, भले ही दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली को हमें अनाथ नहीं रहने देना है। जब तक चुनाव नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई कमी हमने नहीं छोड़नी है। और इसलिए मैंने देखा पिछले 7 महीने में, चाहे वो बिजली मंत्री पीयूष गोयल जी हो, पता नहीं कितने काम उन्होंने 7 महीने में जो किए हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15 साल के अंदर पुरानी सरकार ने नहीं किए। आदरणीय वेंकैया नायडू जी को हमने देखा है कि 7 महीने तक दिल्ली के अंदर, चाहे पूर्वांचल के गरीब लोग हो, चाहे हमारे कोई दूसरे लोग हो जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो, अनऑथराइज कॉलोनियों में रहते हो, सड़क के ऊपर फुटपाथ पे रहते हो, उनके लिए एक एक योजना किस प्रकार से बनाई है, उनकी कितनी गंभीरता से चिंता की है। दिल्ली के लोगों को, द्वारका के लोगों को, दूसरे लोगों को पानी देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया देने की व्यवस्था किस प्रकार से की है, और अभी भी लगातार हर 15 दिन के ऊपर वो मीटिंग करते हैं, सारे दिल्ली के अधिकारियों को बुलाते हैं, सारे सांसदों को बुलाते हैं, दिल्ली की लगातार समस्याओं का समाधान करने के अंदर लगे हैं। एक रेल मंत्री है दिल्ली के अंदर, दोस्तों आधा दर्जन रेल तो मैं उनके साथ, जो दिल्ली से कोई रोहतक जा रही है, कोई भटिंडा जा रही है, कोई बिहार जा रही है, कोई बंगाल जा रही है, आधा दर्जन रेलों का तो मैं उनके साथ उद्घाटन कर चुका हूं। और लगातार मैं देख रहा हूं कि सब मंत्री, मैं जमुना पार से आता हूं, जमुना पार के अंदर देखा है कि गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, उसकी इतनी बड़ी जमीन 15 साल तक पड़ी रही, उसके ऊपर सुअर और बिल्लियां और कुत्ते जो है घूमा करते थे, हमारे जो है मंत्रालय ने आकर गुरु गोविंद सिंह उस विश्वविद्यालय के लिए भी जो है नींव रखकर सारी योजना बना दी। और एक नहीं, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के हमारे सिख भाइयों के लिए, जिनकी बर्बर हत्या 1984 के दंगों में की गई, उनके लिए भी बड़ा हुआ मुआवजा देने के लिए योजना बनाकर उसको बंटवा दिया। कितने सारे मंत्रालयों की मैं चर्चा करूं, मैं ये समझता हूं कि इससे बढ़िया हमारे लिए कोई समय नहीं हो सकता। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे उन्होंने गुजरात के अंदर असाधारण विकास का मॉडल सारे देश के लिए विकसित करके दिखाया, जैसा गुजरात जैसा मॉडल वो सारे देश में विकसित करना चाहते हैं, उसी प्रकार की वो गुजरात जैसी दिल्ली को बनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाना चाहते हैं। आइए हम सब लोग आज संकल्प करें कि हम उनको बहुत बड़े तरीके से आशीर्वाद देकर दिल्ली के अंदर अब तक की सबसे ऐतिहासिक जीत अर्जित करके दिखाएंगे, दिल्ली वासियों को एक ऐसी सरकार देंगे जो देश का, दिल्ली का, देश की राजधानी का ऐसा सहयोग करेगी, ऐसा उस राजधानी के लिए काम करेगी जो बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा कि केंद्र के थ्रू वही शासन चला रहे थे। तमाम जो चुनावी मौसम के अंदर दिल्ली वालों को सौगातें दी गई हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, पीयूष गोयल ने ये कहा कि 2 साल के बाद इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली में बिजली संकट नहीं होगा, ये तमाम उपलब्धियां जरूर गिना दी। बहरहाल मोदी जी वहां पर किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं, करीब करीब 1:45 का टाइम बताया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाना गाकर वोटरों को लुभाया, अब ये सुनिए। कि जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए, ऐसे मिलने से हो जाएगा दिल्ली में नया सवेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा,
साजिश और झूठ का होगा पर्दा, फांस बनेगा सवेरा, ये भारत देश है मेरा। तो 35% पूर्वांचली वोट दिल्ली में बताया जाता है। पिछली बारी मोदी जब मनोज तिवारी ने कैंपेनिंग की थी 2013 में तो 14 सीटों पर फायदा पहुंचा था 19 में से। प्रदीप जी, कुल मिलाकर एक चीज, जैसे रामकृपाल जी ने बोला कि उन्हें नहीं लगता है कि विकास की ही कुल मिलाकर बात होगी, उन्हें नहीं लगता है मोदी किसी और चीज को या स्पेसिफिकली किसी का नाम लेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए क्या करेंगे ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन वो क्या करते रहे हैं इसको अगर देखें तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जनरलिटीज की बात करते हैं, देश को लेकर उनका क्या विजन है उसकी बात करते हैं, प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो उस प्रदेश को लेकर उनका क्या विजन है उसकी बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं, और रैली के दौरान जब चुनाव एक विजन है उसकी बात करते हैं, प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो उस प्रदेश को लेकर उनका क्या विजन है उसकी बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं, और रैली के दौरान जब चुनाव एक की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ये हो सकता गिफ्ट, है कोई एक ब्रह्मास्त्र दिल्ली की जनता के लिए, नहीं, कोई नहीं, एक यूएसपी दिल्ली की जनता, आप ऐसा फोर्सी करते हैं कुछ मोदी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी घोषणा ऐसी हो जिसकी हम उम्मीद न कर रहे हो या जिसके बारे में लोग सोच न रहे हो, ऐसी कोई घोषणा होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। आप ई रिक्शा का मामला देख लीजिए, आप अनधिकृत कॉलोनियों का मामला देख लीजिए, इस तरह के काम जो केंद्र सरकार के जरिए दिल्ली के लिए हो सकते हैं, जिनकी घोषणाएं हो सकती हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस भी लाने की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जा रहा है। तो सरकार के स्तर से जो काम हो सकते हैं वो काम मतलब सरकारी फैसले के रूप में हो रहे हैं, केवल घोषणा का इस समय लोगों पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सत्ता में है, 7 महीने से सत्ता में है, तो आज केवल वायदा करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, आज तो जो कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन यक्ष प्रश्न आज एक बना हुआ है कि एक बार लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी जी ने AK-49 का जिक्र किया था, अरविंद केजरीवाल को एड्रेस किया था, दिल्ली में कांटे की टक्कर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों में बताई जा रही है, बीजेपी और आप में, क्या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर कुछ कहेंगे मोदी? एक छोटे से ब्रेक के बाद। माना गया कि पहली बार एक्नॉलेज करते हुए अरविंद केजरीवाल को AK-49 कहा था इशारों में। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत अनप्रिडिक्टेबल वक्ता हैं, ये वो कब, जब किसी ने नहीं सोचा था कि वो AK-49 बोल देंगे, जब वो बोले थे लोकसभा में, आमतौर पर हम लोग ये मान रहे थे शायद वो इग्नोर करेंगे, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोल गए और लगातार 2-3 मीटिंगों में उसके बाद उन्होंने हमला किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आज की जो रैली है ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज है। नहीं, चुनाव प्रचार का आगाज करें और जो सबसे बड़ा कंटेंडर है उसको एड्रेस ना करें तो कैसे चलेगा? मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी बात कर रहा हूँ, ये चुनाव प्रचार का आगाज है। अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि चुनाव हो सकता है, एक संभावना है कि शायद अप्रैल में हो, अगर मतदाता सूचियों का मामला, अब चुनाव फरवरी में हो या अप्रैल में हो, चुनाव का माहौल तो दिल्ली में बन चुका है और चुनाव का ही माहौल रहेगा, और आज की रैली में चुनाव की बात ना हो, दिल्ली की विधानसभा की बात ना हो, ये नामुमकिन है। और नरेंद्र मोदी के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वही चुनावी वैतरणी पार कराएंगे भाजपा को, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है निश्चित रूप से, मुझे जो लगता है, अब वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे हमला करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे जो उन्होंने झारखंड में भी कही और जम्मू कश्मीर में भी कही, वो दिल्ली में जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 3 सीटें दूर रह गई थी, वो पूर्ण बहुमत की मांग जरूर करेंगे, वो कहेंगे कि विकास, दिल्ली का विकास का एक सपना है मेरा और दिल्ली को मैं विकसित करना देखना चाहता हूं, मुझे लगता है इसलिए दिल्ली को आप जो है अपना विश्वास समर्थन दीजिए, मेरा अंदाज है वो इस बारे में जरूर बात करेंगे, बाकी वो दिल्ली के विकास की चर्चा करेंगे, वो अपना आर्थिक एजेंडा रखेंगे, अपना विकास का एजेंडा रखेंगे, जो उनका तरीका है कि ग्लोबल सिटी बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे, वो सारी घोषणाएं और वादे और सपने वो दिखाएंगे और लोगों को देंगे, लेकिन राजनीतिक भाषण आज की रैली में जरूर उनका होगा। अब जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन तक भी ये खबर है कि मुकाबला आम आदमी पार्टी से ही है, दोनों संभावनाएं हैं, हो सकता है वो एक, अच्छा, एक हमला एक भी करें सीखा और हो सकता है उसको स्किप कर दें। ठीक है विनोद जी, आप ही पहले बताइए उसके बाद बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के शगुफा जो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा उस पर आज कुछ कहेंगे, सबसे पहले आप बता दीजिए फिर मैं। नहीं, मुझे नहीं लगता दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का मामला ऐसा जटिल मामला है, अपने आप की मुश्किल, वो बहुत ही जटिल मामला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, और अरविंद केजरीवाल भी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो भी जो है किसी रैली में आके अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे सर। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, संभावना है राजनीति में हर तरह की, 2002 में कौन
ज्यादा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये किसको क्या संभावना है ये भविष्य के गर्भ में है। तो इसलिए जो है दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का जैसा मामला प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोलेंगे मुझे नहीं लगता। पार्टी के नेता बोलते रहते हैं, घोषणा पत्र में भी है उनको, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना इतना आसान नहीं है। जब दिल्ली में मदनलाल खुराना के नेतृत्व में सरकार थी भाजपा की और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी 6 साल रही, तब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, वो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात करती रही, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला। 1993 से जब से विधानसभा चुनाव शुरू हुए दिल्ली में पूर्ण राज्य की मांग राजनीतिक नारा बन रही। शोर मचाना आसान है लेकिन जब करने पे आओ तो दिल्ली को खुराना जी तो अनशन पे बताओ, मुख्यमंत्री एक दिन के धरने पर बैठे थे भाई पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के जंतर मंतर, लेकिन खुद जब सरकार में आ जाओ तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देना इतना आसान नहीं है। रामकृपाल जी, पूर्ण राज्य के दर्जे को एड्रेस करेंगे मोदी क्या? कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये नॉन इशू है, वैसे भी इस चुनाव के लिए नॉन इशू है और चुनाव में भी नॉन इशू रहेगा। तो इसको इशू बनाने की कोशिश की, ये देखिए कुछ एकेडमिक बहस ऐसी होती है ना उनके लिए कर लीजिए। और ये एक ऐसा मुद्दा जैसा विनोद जी कह रहे हैं जो भी केंद्र में होगा उसके लिए ये सवाल बहुत मुश्किल पड़ेगा कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे। इसलिए मोदी जी जब भी रैलियों में जाते हैं बहुत विवादास्पद मुद्दे वो नहीं उठाते हैं। रही जो पहला सवाल आप अभी कर रही थी कि देखिए कोई भी अगर ये कहेगा कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है तो उसे ये बताना तो पड़ेगा किससे ज्यादा सफेद है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लिया जाएगा, बात यह है कि व्यक्तिगत आक्षेप आरोप प्रत्यारोप वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। लेकिन जैसे भी जाते हैं जहां भी जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं में उन्होंने कहा बाप बेटी की सरकार, झारखंड में गए उन्होंने तो जो जो तो हाँ कहीं इशारों इशारों में भगोड़ा बोलते लेकिन केजरीवाल शब्द का इस्तेमाल अपने मुख से नहीं करेंगे। ये चुनावी रैली है, निश्चित तौर पर आप दूसरी पार्टी पर अपने प्रतिद्वंदी को अगर कमतर नहीं बताएंगे तो फिर वोटर को क्या संदेश देंगे? तो वो बातें तो आएंगी आएंगी निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए किसी पार्टी को आलोचना करना, नीतियों की आलोचना करना, अपनी अपने जो है अपने घोषणाओं को आगे बढ़ाना, अपने घोषणा पत्र की बात करना, अपनी नीतियों की बात करना ये होता है, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप आरोप प्रत्यारोप जो है मुझे लगता है वो उससे मोदी जी बचेंगे, उसे करते नहीं है वो और करना भी नहीं चाहिए। प्रदीप जी देखिए चल एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा ये जो मुद्दा है ये सतत रूप से विपक्षी दल का मुद्दा है। जो विपक्ष में रहेगा उसके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा है, बीजेपी के लिए ये मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि ये सिटी स्टेट है और देश की राजधानी है, इसलिए इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना संभव किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, चाहे दोनों जगह पर एक ही पार्टी की सरकार हो। पिक्यूलियर सिचुएशन है बिल्कुल, तो वो मुद्दा तो बहस के लिए है। विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो भी दिल्ली में जिसकी सरकार होती है करता है और ये चलता रहेगा। इससे ये जो पार्टियां मांग करती हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए वो ये नहीं बताती कि इससे दिल्ली की जनता के जीवन पर क्या असर। आप तो मंच पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंच पर हैं और दिल्ली की समस्याओं को अभिवादन स्वीकारते हुए हमारे सबसे हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी यहाँ पर रामलीला मैदान में दिल्ली की चुनावी सभा में उतरते हुए नरेंद्र मोदी, साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, दिल्ली के प्रभारी झा और साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मंच पर नजर आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माने महामंत्री आशीष जी से, वो पुष्पा पुष्प माला से माने रामलाल जी का, रेखा गुप्ता जी हमारी महामंत्री है वो शॉल देकर भाइयों बहनों वो शॉल देकर भाइयों बहनों आगे की कड़ी में हमारे शहरी विकास मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी, जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर दिल्ली की 60 लाख की आबादी
जो अनधिकृत कॉलोनियों में रह के जीवन जीने को मजबूर थी, 20 वर्ष से केवल वायदे करते रहे थे पिछली सरकारों के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने सबसे पहले कहा गरीब के घर में पानी के निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब के मकान की रजिस्ट्री होनी चाहिए, गरीब के मकान के सामने सड़क होनी चाहिए, दिल्ली की सभी कॉलोनी पास होनी चाहिए। और कैबिनेट के द्वारा दिल्ली की 1639 कॉलोनियों को कैबिनेट के द्वारा पास करने की मंजूरी दी। माननीय वेंकैया नायडू से मेरा निवेदन है वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेंकैया जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्रीगण और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, दिल्ली में ऐतिहासिक नगरी में इतना भयंकर ठंड में इतना काफी संख्या में आए हुए बहनों और भाइयों, देश भर में यही नारा है, जहां भी जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, लोग एक ही वाक्य कह रहे हैं, मोदी 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 मोदी। कारण क्या है? मोदी माने थ्री डी है, डिसिसिव है, निर्णय करेंगे, डायनेमिक है, ताकत दिखाएंगे और डेवलपमेंट विकास देंगे। इसलिए मित्रों, आप लोगों ने भारी संख्या में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 7 सदस्यों को यहां से जिता के केंद्र में भेजा और उस कारण से श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन गया। इसमें आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मगर वक्त आया, अभी दिल्ली में केंद्र में तो सरकार आए, लोकसभा में हम बहुत काम कर रहे, आपका दिल्ली के संदर्भ में अनधिकृत कॉलोनी को रेगुलराइज करने के काम के संदर्भ में, नहीं तो ई रिक्शा का संदर्भ में, नहीं तो नजूल एस्टेट्स में लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने के विषय में, नहीं तो चूल्हा टैक्स बंद करने के विषय में, नहीं तो दिल्ली स्पेशल एक्ट का 2014-31 को समय पूरा हो रहे थे, उसके बाद सीलिंग शुरू होने वाले थे, इसके बाद इंक्रोचमेंट्स रिमूव करने का काम होने वाले थे कोर्ट का आदेश के कारण से, उसको भी हमने 2017 तक एक्सटेंड करवाया और 2000 तक अनधिकृत कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम भी हमने लोकसभा में किया। और साथ ही साथ मित्रों, दिल्ली में दिल्ली शहर का जो मास्टर प्लान है इसमें भी जो भी परिवर्तन आना चाहिए उसके लिए भी प्रयास किया और डीडीए के द्वारा मकान निर्माण करने का काम शुरू किया और आने वाले दिनों में 1,00,000 मकान दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे आम जनता को मिलने का सौभाग्य और है, उसका भी व्यवस्था किया। साथ ही साथ दिल्ली में 600 से ज्यादा झोपड़ियां है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में 5 साल में दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी इलाका पूरा इलाके में पक्का मकान निर्माण करके सबको देने का व्यवस्था के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। दिल्ली में ना मरीन बस्ती होगा, नहीं तो कोई माफिया राज नहीं चलेगा। मैं आपको पूर्व आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल्ली में माफिया राज को समाप्त करेंगे और सभी मरीन बस्ती में रहने वाले लोगों को पक्का मकान निर्माण करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है जनता के साथ। मित्रों, मगर लोकसभा में अच्छा काम कर रहे, मगर राज्यसभा में गए तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो काम लोकसभा में अच्छा हुआ उसको वहां रोक रहे, ब्रेक अप्ले कर रहे, आगे नहीं जाने दे रहे। इसका कारण क्या है? राज्यसभा में कांग्रेस के पास, कम्युनिस्ट और के पास, समाजवादी बाकी लोगों के पास संख्या ज्यादा है, हमारा संख्या कम है। लोकसभा में आपने भारी बहुमत दिया, जनता ने मैंडेट दिया, अच्छा काम करके दिखा रहे नरेंद्र भाई जी का नेतृत्व में, मगर राज्यसभा में रुकावट आ रहे, राज्यसभा में ब्रेक अप्ले कर रहे। इसलिए आप दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, जैसा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जैसा जम्मू कश्मीर में वहां लोगों ने मैंडेट दिया, ऐसा मैंडेट दिल्ली में दिए तो आने वाले 1 साल में राज्यसभा में भी परिवर्तन आएगा और लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर लोकल सभा जनता के लिए हित में काम करेंगे और विकास तेजी से आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में क्या करना, इधर यू टॉक आउट और वर्कआउट, मगर कांग्रेस वाले टॉक आउट नहीं, वर्कआउट नहीं, ब्रेकआउट कर रहे हैं।
इसके कारण से कांग्रेस पार्टी ऑल आउट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर इस बीच में देश का जनता के लिए अन्याय हो रहे, ये नहीं होना देना चाहिए मित्रों। और साथ ही साथ डिस्कस, डिबेट, डिसाइड एंड डिस्पोज, ये हमने कहा विपक्ष को, भाई हम आपका जो भी मांग है हम तैयार है, बहस करना बहस करो, चर्चा करना चर्चा करो, विरोध करना विरोध करो, मगर वो विरोध नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा से भाग रहे, सदन को नहीं चलने दे रहे। इस स्थिति को बदलना है तो एक मौका है आने वाले दिल्ली का चुनाव, उस मौका को सदुपयोग करिए। अंत में मैं एक ही पॉइंट बताना चाहता हूं, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष भी है और नया नया चुने हुए तीन मुख्यमंत्री भी है यहाँ और प्रधानमंत्री खुद है। मेरा कहना इतना है, दिल्ली का जो भी काम हो, तीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, डीडीए, जल बोर्ड और यहाँ का डिस्कम्स और यहाँ का लैंड ऑर्डर, इस सब में केंद्र सरकार का मदद चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। दिल्ली में ऐसा सरकार को चुनना चाहिए जो सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करे, जो सरकार नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में केंद्र जो अच्छा काम कर रहे उसको साथ देने वाली सरकार को हम सुनना चाहिए। दिल्ली शुड इलेक्ट सच ए गवर्नमेंट विच इज रेडी टू कोऑपरेट विद नरेंद्र मोदी, विच इज रेडी टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी। वी नीड सच ए गवर्नमेंट इन दिल्ली, प्लीज कीप दिस इन माइंड, प्लीज कीप दिस इन माइंड, बिकॉज दिल्ली डेवलपमेंट इज इंटरकनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट इज इंटरकनेक्टेड। मित्रों, इस बीच में दिल्ली सरकार नहीं था, अरविंद केजरीवाल बीच में छोड़ के चले गए, कांग्रेस से तो खत्म हो गया, केजरीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिला के 40-50 दिन सरकार चलाया, बाद में उन्होंने भी छोड़ के चले गए। इस कारण से बीच में जो जो हमको समय मिला उस समय में केंद्र सरकार ने जो काम होना चाहिए दिल्ली के लिए, मेरे ख्याल से 15-20 साल का इतिहास में जितना काम का था 3-4 महीने में दिल्ली के जनता के लिए केंद्र सरकार ने किया, उतना काम किसी सरकार ने अभी तक कोई किया नहीं। मैं विस्तार में उसमें जाना नहीं चाहता, समय भी नहीं है। हर एक क्षेत्र में आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं, दिल्ली देश का राजधानी है, यहाँ तेलुगु है, यहाँ तमिल है, यहाँ मलयाली है, यहाँ कन्नड़ा है, यहाँ मराठी है, यहाँ पंजाबी है, यहाँ बंगाली है, यहाँ पूर्वोत्तर से आए हुए लोग बसे हैं। दिल्ली देश का राजधानी है, देश का दिल है और देश का एक मिनी इंडिया है। इसलिए दिल्ली में सब लोगों को विकास देना चाहिए, वो विकास के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार वचनबद्ध है। इसलिए मित्रों, मेरा प्रार्थना यह है आने वाले दिनों में आप सब लोग कृपया और एक बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जिताइए और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व कर उनका हाथ मजबूत कराइए, देश का भला होगा, दिल्ली का भला होगा, यही मेरा प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माने वेंकैया जी। भाइयों बहनों, चलो चले, ई रिक्शा है हमारे पास, ई रिक्शा है गरीब के पास, पंजीकरण करानी हो गई पास। भाइयों बहनों, मैं आगे की कड़ी में आज ये अभिनंदन का कार्यक्रम है, हर्ष का विषय है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 4 राज्यों में विजय प्राप्त की है। भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की विजय की पताका के साथ साथ, तो आप देख रहे हैं रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं और तमाम नेता जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं वहां पर जो जुटी है भीड़ उसको। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं प्रदीप जी, अब कुल मिलाकर रामलीला मैदान में कल हमारा सर्वे था, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली को माना जाता है, दिल्ली का मूड क्या है, सबसे ताजा सर्वे था हमारा, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में थी, 42% और 43% का ही फर्क था। ऐसे में मोदी के लिए आज की रैली के एड्रेस करने के बाद बिल्कुल हवा आपको लगता है बदल जाएगी? हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि सतीश उपाध्याय जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रघुवर दास का सम्मान कर रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, इससे पहले उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन किया, क्योंकि तीन मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में जो जीत का सहरा बंधा बीजेपी के सर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, इन तीनों मुख्यमंत्री को यहां पर बुलाया गया है उनका अभिनंदन करने के लिए और वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब प्रदीप जी, मोदी
के आज चुनावी समर में उतरने के बाद दिल्ली में आपको लगता है माहौल बिल्कुल बदल जाएगा और अरविंद केजरीवाल आज डरे हुए होंगे? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव में जब उतरती है पार्टी तो वो डरती नहीं है अपने विरोधी की रैलियों से, उससे वो ये कोशिश करती हैं कि उसको काउंटर कैसे किया जाए, उससे अगर हमारा उनको लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे किया जाए, या उनको उसमें कोई कमी गलती मिलेगी तो उस पर हमलावर कैसे हुआ जाए, वे उनको अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए आज की रैली से मतलब भाजपा के जो विरोधी हैं उनको एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। देखिए एक रैली से माहौल बदल जाएगा ऐसा नहीं है, चुनाव में आमतौर पर लोग, लेकिन बीजेपी तो ये मान के चल रही है ये पहली रैली है और बीजेपी के नेता बताया जाता है कि मोदी जी के पास गए तो मोदी जी ने पूछा कि कितनी रैली एड्रेस करें, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, तो सूत्रों के हवाले से खबर आती है उन्होंने कहा कि 20 से 28 रैली एड्रेस कर दीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि सब कुछ मैं करूंगा तो स्टेट लीडरशिप क्या करेगी, तो स्टेट लीडरशिप सुस्त है बीजेपी की, उनको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से नजर आ रही है, इसीलिए सवाल बनता है कि आज की रैली के बाद और भी इसके बाद रैलीज होंगी मोदी जी की, हवा पूरी तरह बदल जाएगी क्या? नहीं, हर पार्टी में ऐसा ही होता है, पार्टी का जो सबसे लोकप्रिय नेता होता है सबकी नजर उसी पर होती है। आम आदमी पार्टी से आज आप अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दीजिए, उनसे कहिए कैंपेन न करें, फिर आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए। तो जिस पार्टी का जो सबसे लोकप्रिय नेता होता है पार्टी में सबकी नजर उस पर होती है, इसलिए होती है कि लोग उसी को सुनना चाहते हैं। आज इतने जो लोग आए हैं इनके सामने अगर आप घोषणा आधा घंटे पहले कर देती कि नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं तो इनमें से 3/4 लोग उठकर चले जाते हैं। तो जिसको सुनना चाहते हैं उसी की रैली ज्यादा हो, ये कैंडिडेट की ओर से डिमांड आती है जब टिकट बढ़ जाते हैं, ये पार्टी संगठन की ओर से मांग आती है कि किसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं उसकी रैली हो, और आज की जो रैली है वो दरअसल आम लोगों से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए है कि कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाए, बिल्कुल उसका फायदा जो है अब इसका असर आपको जो है दिखाई देगा बाकी पार्टियों पर। मोदी का सम्मान हो रहा है, उनका अभिवादन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। अब ये सर्कल ऑफ ट्रस्ट की तरह लग रहा है, यहाँ पर मोदी जी हैं और तमाम बड़े नेता जो उसमें हैं, मोदी के कौन कितना करीब है ये भी अपने आप में इशारों में संकेत इसका देता है। बहुत दिलचस्प बात प्रदीप जी आपने ये कही कि रैली जो होती है यहाँ पर लोग बीजेपी कार्यकर्ता के अंदर उत्साह भरने के लिए है, अपने आप में ये भी सवाल हो सकता है और ये बात अंदर खाने से आ रही थी कि उम्मीदवारों तक की घोषणा, कांग्रेस 24 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, आम आदमी पार्टी सभी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर चुकी है, बीजेपी ने इसलिए नहीं कही कि ये रैली शायद बहुत बड़ा सक्सेस नहीं हो पाती, इतनी ज्यादा इनफाइटिंग हो जाती, इस पहलू पर आएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।